फेसबुक पे अपलोड की है उन्हें अपनी पिक। अच्छा तीन कमेंट आए हैं, सिर्फ तीन कमेंट। फॉलोअर कितने उनके? 400-500 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल यार? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? हमारी ज़िंदगी में क्रिकेट एक अजीम जुज़्व है, अजीम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और उस क्रिकेट को आबाद रखने के लिए हमने कुछ अर्सा पहले पिच तैयार की थी, वो देख रहे हैं पीछे, लेकिन वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। और पहले भी ये सारे नौजवान हमारे साथ थे और आज भी ये, जब उसको रिपेयर करना है तो ये सारे हमारे साथ हैं। और हमारी टीम का जो मेन बैट्समैन है वो दो मेरे साथ हैं, ये यासर भाई और अली भाई। अली भाई शर्मीला नौजवान, थोड़ा शर्मा रहा था ये। तो अली भाई, क्या पिच का मसला क्या बना हुआ है? शिजाद भाई की बाल इधर कम हो रही है ना, शॉट पिच कर रहे हैं। शिजाद भाई बहुत गुस्से में, पर पानी को नहीं। शिजाद भाई को चाहिए काम, और खुद भी काम कर रहे हैं, खुद कभी कभार ही काम करते हैं, जब क्रिकेट का मामला हो फिर ही काम करते हैं। तो अभी ये क्रिकेट का जुनून है जो सबको इकट्ठा करके ले जाता है। घर में काम करें ना करें, लेकिन जब क्रिकेट की बारी आती है तो सारे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बच्चों, इन बच्चों समेत ये दरान भाई सोदिया से स्पेशल विकेट तैयार करने के लिए आए हैं। और अली भाई, अदनान भाई बात करो ना यार, कोई अदनान भाई बात करते हैं। हाय, क्रिकेट के ही सारे, सब कुछ चस्का पड़ा हुआ है क्रिकेट का ही। शिजाद के बड़े भाई को मौके पर, शिजाद भाई हैं, सीम भाई हैं, अदनान भाई हैं, शानी भाई हैं, इसके साथ वगैरह वगैरह भाई हैं। और ये बुकार भाई जो सीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, ये मन्ना 420 आ गया है। इधर भाई सबसे शरारती लड़का ये वाला, क्रिकेट का काम कर रहे हैं, देखो इंशाल्लाह 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। याद भाई बहुत ही ना आ रहे हैं, सबके साथ बदतमीजी भी करते हैं, इनको क्या करते हैं, मशवरा इनके साथ भी लेते हैं, विकेट के बारे में क्या कहते हैं। और यासर भाई जो है ना, वो सिर्फ मशवरा देते हैं, और शिजाद भाई मशवरे के साथ साथ गालियां भी देते हैं, ठीक है। और इनकी अच्छी क्वालिटी है, यानी कि मशवरे के साथ प्लस पॉइंट इनका ये है कि वो गाली थोड़ी जरूर देते हैं, ये इनके खून में गर्मी ऐसी है, गाली के बगैर बोलते नहीं है। गर्मी के मौसम में गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, इनका दिमाग है ना, यू काम नहीं करता है। और यासर भाई गरमाला लेके आ गया, लोहे का गरमाला बहुत कीमती चीज़ है मिस्त्रियों के लिए, और वो चाहिए था, और पिच के लिए, और यासर भाई ने बहुत बड़ा काम किया, इतनी गर्मी में गया वो गरमाला लेके आया। और यासर भाई की कीमतें मशवरे ही हैं जो यहाँ तक लेके आए हमें, है पेजनू तुम की समझे। बात करनी है किसी के बारे में? हाँ नहीं भाई बताओ। हमारे भाई बड़े बैठे हैं शिजाद, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं क्रिकेट के बारे में और गालियाँ के बारे में, क्या आपको लाजवाब है। बहुत लाजवाब भाई,
मुर्शिद वाइट कर गए हैं, मुर्शिद भी हैं और अफजल भी हैं, दोनों चीजें इनके पास। अफजल नहीं दुबारा है जो अफजल होंगे, अफजल मुर्शिद निकले। मोटी लाया ला रहे हो घर भाई, मोटी फेसबुक पे अपलोड किए होंगे अपनी पिक। अच्छा तीन कमेंट आए, सिर्फ तीन कमेंट। फॉलोवर कितने उनके? 400-500 है। हमारे बहुत फॉलोवर है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मोबाइल में, दिखा दूं आपको। ये तो ला रही थी, मैंने साड़ी करीब ला दिया था। और ये शख्स मनिया, ये शख्स हमारे गैंग का एक सरगना होता है ना, वो हमारे टीम का एक सरगना, और हर वक्त भूखा प्यासा रहता है। इसका काम यही है कि बोतल ले आ, पानी ले आ और कुछ खाने के लिए ले आ, ठीक है। इसका अपना रक्षा और रक्षा पे पूरी टीम को भी लेके जाता है, कहीं जाना हो नहीं बाइकें ना हो तो, बहुत सा काम करता है हमारा। और बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। और क्या नाम है सीधा मन्ना तो हम बोलते हैं प्यार से, शहजेब ऊंचा बोले, हाँ हाँ शहजेब शर्मा गया, शहजेब शहजेब तो शर्माते नहीं यार। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स तो वो ला के इनको पिलाते हैं, और ताकि वो सही से काम। सो गाइस पिच तकरीबन तैयार हो चुकी है और थोड़ी सी रह चुकी है, और लगे हैं हमारे दोस्त हबाब मिस्त्री, ये भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको मैं जल्द विजिट करूँगा। ओवरऑल ग्राउंड का व्यू यार ठंडा, आजकल गर्मी में ठंडा पानी पी के गले की खराश एक आम चीज़ बन चुकी है, एक आम चीज़ बन चुकी है, मतलब एक आम चीज़ बन चुकी है। और ओवरऑल ग्राउंड का व्यू देखें तो बहुत प्यारा ग्राउंड लगता है माशाल्लाह से। इसके साथ ये मेन रोड जा रहा है, और पीछे सारा खुले एरिया, इस साइड पे पेट्रोल पम्प बना हुआ है, यानी कि इस साइड पे भी ऊंची जगह बनी हुई है, यानी कि अगर किसी के साथ हम मैच वगैरह लगाते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा ग्राउंड लगता है, बहुत मतलब क्राउड को देखने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है बैठने के लिए देखने के लिए, बहुत ही अच्छा मतलब कि एक व्यू नज़र आता है क्रिकेट का। और सच मेन रोड है और हर बंदा आता जाता है, क्रिकेट है हमारे मुल्क में एक जुनून समझा जाता है क्रिकेट को, और ये जरूर लोग देखने में नज़र आता है, चाहे वो नेशनल टीवी पे हो, इंटरनेशनल टीम खेल रही हो, यहाँ पर हमारे ये गली क्रिकेट, तो गली क्रिकेट नहीं बोलूँगा, ये मैं बकायदा बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है, तो गली की हराश पीछा नहीं छोड़ी। तो यही वजह है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके पहले भी हमने तकरीबन 12 बजे, रात के 12-12 बजे घर किए, ये ग्राउंड तैयार, ये पिच तैयार किया, ग्राउंड तैयार किया, और इसके अलावा काफ़ी मतलब ग्राउंड को भी क्लियर किया, तो पिच जितनी मेहनत से हम तैयार की थी, जितनी हमें उम्मीद थी कि सही होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उतनी सही नहीं, और बहुत से खिलाड़ी को तहफात थे वहाँ, उस पर जो बॉल थी वो सही से नहीं, अपना मतलब जो ठप्पा आके ऊपर नहीं आ रही थी, और बैट्समैन को भी खेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए शहजाद भाई ने बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें थोड़े से ना इसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो तकरीबन एक महीना हुआ है हमें ये पिच बनाए हुए, लेकिन फिर भी इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी है, थोड़ा बहुत शायद टेक्निकली थोड़ा फ़र्क रह गया था इस वजह से, नहीं तो अक्सर पिचेस हम बनाते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पिच को रिपेयर करने की हमें